सो जैसा कि आपको पता ही है फ्रेंड्स कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2022 की जो है नोटिफिकेशन आ चुका है एंड 15 जून से जो है आप यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे। ठीक है, एंड 6 जुलाई जो है लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। एक्चुअली फ्रेंड्स पिछले 2 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट जो है यूपी से जो है गवर्नमेंट कॉलेज से ही डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज से जो है नहीं करना चाहते। उनका कहना ये है कि अगर हम जो है 70 से 80 हज़ार रुपये डीएलएड कोर्स के लिए जो है प्राइवेट कॉलेज से अगर हम डीएलएड कोर्स करते हैं तो इससे बढ़िया है कि हम जो है प्राइवेट कॉलेज से बीएड कोर्स कर लें। तो यही रीज़न है कि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से चाहते हैं जो है अपना डीएलएड कोर्स करना। अब हम मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज से चाहते हैं डीएलएड कोर्स करना तो कम से कम आपके जो है कितने परसेंट होने चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, तो इस बार गाइस जो कट ऑफ है ना वो कम जाएगी। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, कट ऑफ कम जाने का रीज़न, इस बार जो है मोस्टली स्टूडेंट जो है जिनके ज़्यादा मार्क्स थे 12th में एंड उनका जो है ग्रेजुएशन में एंड उसके 10th में, तो मोस्टली जो मतलब कि टॉपर कहें जो टॉपर जो स्टूडेंट थे वो बीएड की ओर चले गए हैं। तो यही रीज़न है कि इस बार जो कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज की वो कम जा सकती है, क्योंकि पिछले साल वे स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो उनका जो एडमिशन है ना 235 से ज़्यादा पर ही हुआ था। 235 से कम पर जनरल स्टूडेंट को गवर्नमेंट डाइट मिला ही नहीं था, ये रिकॉर्ड है पिछले साल का। और ओबीसी के मैं अगर बताऊं तो 225 से कम पर किसी को नहीं मिला था ओबीसी में। और कुछ कुछ डाइट देखिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो है ना रैंक के अकॉर्डिंग जो है टाइम दिया जाता है कि 1,000 से 10,000 रैंक तक या 1,000 से 5,000 रैंक तक जो है स्टूडेंट जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे इस तारीख से इस तारीख तक। तो हुआ क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके ज़्यादा मार्क्स थे तो उन्हें लगा था कि हम सेकंड काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनके कम मार्क्स थे तो वो फर्स्ट काउंसलिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो उनको पहले डाइट मिल गया था। इसके पीछे का रीज़न यही है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आपको जो है फर्स्ट वाले में ही करना है। तो इस बार अगर कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है कम जाने के काफ़ी चांसेस है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आपका जो है ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो लगभग जो है 220 तो आपके होने चाहिए गवर्नमेंट डाइट के लिए, और 230 आपका जो है जनरल कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका होता है, तो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट अगर आप बनवा लेते हैं एडमिशन से जो है पहले मतलब अभी, तो गाइज फिर आपका जो है बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखिए डेट जो है ना लगभग वो मैंने आपको बताया कि जुलाई तक है, मतलब कि लगभग जो है उसमें 20 से 25 दिन का टाइम दिया गया है। तो अगर आप जो है 5 से 10 दिन लेट भी जो है मतलब कि 5 से 10 दिन बाद भी जब अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं उससे पहले अगर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो इसमें 5 से 10% का आपका जो है बेनिफिट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है लगभग ओबीसी के समान जाती है, 215 से अबव जाएगी इस बार के भी मैं आपको बता दूं। और एससी की जो है अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट डाइट के लिए 210 और एसटी के लिए 190 और पीएच कैटेगरी की बात करें तो 170 से अबव होना चाहिए। तो ये मिनिमम परसेंटेज है गवर्नमेंट डाइट के लिए। सो थैंक यू, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप 12th पास है बिना एंट्रेंस एग्जाम के, अगर आप दिल्ली से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं और एंड अगर आप जनरल कैटेगरी से 90 से ज़्यादा मार्क्स है तो आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा दिल्ली में, तो यहाँ भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो एडमिशन है वो सीबीएसई 12th क्लास के रिजल्ट के आफ्टर स्टार्ट होता है, जून जुलाई अगस्त में स्टार्ट होता है। सो थैंक यू।